सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम रोहित कुमार है। स्वागत है मैं नए ब्लॉग के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि मैं आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। कम से कम 8-10 दिन हो गए जब लास्ट वाली जो ब्लॉग डाला था मैंने, होम ब्लॉग, वो डाला था दिवाली पे, जब हमने लाइटिंग सेट की थी दिवाली पे, वो ब्लॉग डाला था मैंने। होम ब्लॉग जो था तो लास्ट वाली वो ही था, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला हुआ है अभी। सो गाइस आपको बता दूं कि आज एक त्यौहार है जो कि ग्यारस के नाम से मनाया जाता है। सो एकादशी को मनाया जाता है ये, तो नाम इसका ग्यारस है वैसे। और आज से वही देव वेव जागते हैं और शादियाँ वादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो उन सब के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन गाइस। जो भी मेरे फ्रेंड हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर, कुछ भी मतलब सब कुछ है, तो उनके लिए जिनकी शादियाँ हो गई हैं, सगाइयाँ हो गई हैं या होने वाली है इस वाले सीजन में, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से। तो गाइस काफ़ी मज़े लीजिए। सो आपको पता है कि जब शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो काफ़ी अच्छे अच्छे आपको डांस देखने को मिलेंगे, नागे डांस। टीचर डांस फ्लाइंग डांस और आप लाइव भी देख सकते हो। एंड शादियों के फनी मोमेंट्स सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे आते हैं। और गाइज इस वाले त्यौहार पे इसको भी लाया जाता है, ये आपको दिख रहा होगा गन्ना है भाई, पता नहीं पूजा वूजा भी जाता है। मैं तो भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी। और आने से पहले ना इसकी मुंडी सी तोड़ दी हुई है इन्होंने, देखो ये खा रहे। और कहाँ है इसकी मुंडी, कहाँ है इसकी मुंडी, वो खा गए तुम लोग। गाइस ये रही इसकी मुंडी, और इसकी मुंडी को तोड़ के ना ये पूरे खाने लग गए दोनों बंदे। देखो गाइस छुप छुप के दोनों जने लग रहे हैं, तो कितनी जल्दी जल्दी खा रहे हैं। अरे कोई पकड़ने नहीं आ रहा तेरे को भाई। आ भाई कैसी लगी गाइस? देखो ये गेरुआ और ये पता नहीं ये क्या है, ये सफेद पत्ती है, ये क्या है, ये सफेदी और ये गेरुआ, ये टिपकी टिपकी रखा हुआ आएंगे यहाँ पे। मैं आपको ब्लॉग में दिखाता रहूँगा गाइस, मैं टिपकी लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा टिपकी, मैं ये टिपकी लगाने की कह रहा है, तो लगती है भाई पूरे यहाँ पे। अच्छा स्टेप बाय स्टेप लगती है ये, रेड एंड वाइट। तो भाई ये करा के हर बार मैं ही लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, कुछ हथियार बनाए जा रहे हैं इनको लिखने के लिए, कुछ लिखेंगे यहाँ पे और बीनेस कुछ बनाएगी भाई। देखते हैं भाई क्या बनाते हैं ये लोग। वैसे हर बारी मैं देखता हूँ कुछ पैर वैर से काटते हैं और कुछ लिखते हैं बस, और कुछ नहीं ज़्यादा। सो फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कुछ रंगोलियाँ करती हैं, चल रही है भाई, देखो आप। तो गाइस आपने देख लिया कि जो टिपकी टिपकी लगाई हुई थी वही होता है ग्यारस पे, ज़्यादातर तो वही मेन है। उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो, रंगोली या फिर जो भी मेन गेट पे कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन जो होना चाहिए वो मेन यही है जो टिपकी वाला सिस्टम पानी है। तो भाई मैं तो लगाता नहीं हूँ, पहले प्रशांत लगाता था, लेकिन अब बीनेस ने और न्यू फैमिली मेम्बर ने लगाई हुई है वो, तो अब की बार तो तीन तीन वाली, तीन उंगलियों वाली लगाई है, पहले एक एक उंगली वाली लगती है यार। तो गाइस आपको पता है कि प्याज काटते समय भी वो पानी सा उड़ता है वो आँखों में और नाक में चला जाता है, तो आँख से तो आंसू आने लगते हैं गाइस, और नाक से आपको पता है कि क्या आने लगता है, बताने की ज़रूरत नहीं गाइस, आप समझ गए होंगे, आप काफ़ी समझदार हो, मेरे सब्सक्राइबर जो भी है काफ़ी समझदार हैं वो समझ जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही,
करता हूँ अपने ब्लॉग का, एंड मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो जिससे कि मैं अपना कॉन्फिडेंटली ब्लॉग डाल पाऊँ एंड आपको डेली ब्लॉग्स ला पाऊँ एंड आप मेरे ब्लॉग्स के साथ एंजॉय ले पाऊँ। तो करता हूँ अपने ब्लॉग का एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।